हेलो गाइस वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल हैश टैग गिविंग में तो गाइस ये देखिए हमने नया शेडर पैक वगैरह लगा दिया है देखिए आर टी एक्स सस्ता आर टी एक्स उन्हें लगा दिया है अपने उसमें गेम में तो देखिए कितना मस्त दिख रहा है गाइस गाइस आज है हमारा एपिसोड yeah. नंबर थ्री जिसमें हम मैं आज फूड फार्म बनाएंगे फूड वगैरह एनिमल्स वगैरह लाएंगे फार्मिंग वगैरह करेंगे तो मेरे पास बिल्कुल भी फूड नहीं है तीन प्लेट बचा है गाइस तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो गाइस चलिए मैं इधर फर्स्ट पर्सन में आ गया और फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ मैं फार्म की इधर बनाने वाला हूँ तो चलिए मैं फटाफट आप उस जगह पर लेकर चलता हूँ उसके लिए हमें सबसे पहले वुड जमा करनी पड़ेगी ढेर सारे हमें वुड चाहिए गाइस तो फटाफट मैं चलता हूँ उस पेड़ की तरफ हमें एक नहीं दो नहीं बहुत सारे हमें वुड चाहिए होगा गाइस तो फटाफट मैं इधर चलता हूँ इधर हम ये एक ही पेड़ है फिलहाल मैं इधर ही सोच रहा इधर ही सबको तोड़ के मैं इधर ही बनाएगा फार्म फटाफट मैं इधर से तोड़ना शुरू कर देता हूँ बोर्ड तो गाइस अभी इतनी बुढ़ तो हो गई है लेकिन हमें और बुढ़ की जरूरत है बहुत सारी बुड़ की दो पेड़ में हमारा काम नहीं होगा उधर पूरा फॉरेस्ट है उधर ही चलते हैं तो सबसे पहले मैं इधर एक बोर्ड बना लेता हूँ उसे तैर के तुम्हें जाने का मेरा मन नहीं है सबसे पहले इधर क्राफ्टिंग टेबल में रखता हूँ एक बोर्ड बना लेता हूँ फटाफट गाइस ये रखा मैंने क्राफ्टिंग टेबल देखो शीटर में कितना मस्त दिखता है अरा ग्राफ्टिंग टेबल ये देखो कितना मस्त दिखता है शीटर पर आपको पसंद आया कि नहीं ज़रा आप कमेंट करके प्लीज़ बताना गाइस फटाफट इधर एक बोर्ड बना लेता हो स्टिक एक शवल शवल देखिए इतनी भारी लगती है और एक बोट बन गई हमारी बोट नॉर्मल ही है गई ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें सस्ता शेडर पैके गई इस हमारी सारी सस्ती चीज़ें आपको तो पता ही होगी तो फटाफट में तो सामने वाली फॉरेस्ट पे इधर चलते हैं और ढेर सारी वुड काटिंग है गई तो फटाफट चलते है वह सैंड देखिए गाइस कितनी मस्त लग रही है इसकी ये देखिए सैंड कितनी मस्त है तो फटाफट हम उधर चलते हैं फॉरेस्ट की और हमें ढेर सारे ओक लॉक के हम यूज़ करेंगे ज़्यादा वैसे नहीं फटाफट में उधर चलता हूँ गाइस ओ क्लॉक के हमें जा दी थी मैं वैसे वाली नहीं यूज़ करने वाली तो शीप वगैरह अच्छा है अच्छा ही ये हमारे विलेज के बहुत पास ही है फॉरेस्ट फटाफट में चलता हूँ आगे की तरफ ये आ गए हम और इधर से हम वोट कलेक्ट करना शुरू कर देंगे गाइस फटाफट में बोट भी कलेक्ट कर लेता हूँ अभी वापस वापस भी तो हमें जाना है इधर से ऐसे ही बोट से ही जाएंगे हम मैंने कलेक्ट कर लिया फटाफट हम वुड काटना शुरू कर देते हैं हमें बहुत सारे वुड की जरूरत है थोड़ी नहीं क्योंकि मैं बहुत बड़ा फार्म बनाना है एनिमल्स वगैरह फार्मिंग करनी है तो फटाफट में करता हूँ करके मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ तो भाई इधर मैं बहुत देर से वुड माइन कर रहा हूँ मेरे पास अभी इनफ बहुत सारी वुड हो गई है मैं आपको दिखा देता हूँ इन्वेंटरी में ये देखिए मेरे पास बहुत सारी वुड हो गई है सिक्सटी फोर एंड थर्टी हो गया है ये इतने इनफ रहेंगे हमारे पास हमको प्लैंक्स ये ये देखो गाइस तुमको रेड कलर से कुछ याद आया अब गोस्त याद आ गया होगा नीचे देखो नीचे हाँ वीडियो के नीचे तुमको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख दिखा उसको जाने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का साथ में वीडियो को लाइक करके वेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि हमारे आने वाली सबसे पहली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो यार हमें जल्दी पहुँच रहे हैं वन के प्लीज गाइस कर दिया करो सब्सक्राइब तो फटाफट मैं अपनी विलेज की तरफ चलता हूँ हमें फार्म भी तो बनाना है ऐसे मैं दिन भर भीख मानते रहूँगा सब्सक्राइबर की तो क्या होगा गाइस आप लोग करते नहीं वोट छोड़ो सब्सक्राइबर पे ध्यान दो आप बढ़ाओ यार थोड़ी थोड़ा कर दिया करो यार तो चलते हैं अभी फटाफट मैं आपको बताता हूँ किधर बनाने वाले हैं तो पहले देखिए गाइस वो उधर पेड़ जीढ़ जहाँ दिख रही वहीं हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमें पूरा एरिया थोड़ा डर्ट वगैरह सब क्लियर करना पड़ेगा गाइस इधर नहीं तो इधर से मैं क्लियर करना शुरू कर देता हूँ पहले मैं थोड़ी सी डर्ट चाहिए तो इधर से मैं फटाफट क्लियर करना शुरू कर देता हूँ गाइस ये देखिए मैं फटाफट इधर क्लियर कर देता हूँ डर्ट देखिए कितनी मस्त लगी तो मैं आपको पूरा फिल पूरा करने के बाद मिलता हूँ पूरा साफ कर लेता हूँ

बस ये और चाहिए एक दो स्टैक पाँच स्टैक की तो हमें मिनिमम जरूरत है इधर दो स्टैक हो गए इस तीन स्टैक हो गए इस देखते हैं कितने स्टैक बनते हैं इस तो इधर फोर्टी ये चार स्टैक हो गए इस अभी हमारे पास थर्टी और बचे तो उसको जाने देते पहले हम फटाफट फैंसेस बनाना स्टार्ट कर देते ये फैंसेज स्टिक्स बना रहता है थोड़ा सा मैं ये स्टिक्स बन जाए ये फिन फैंसिस बना लेते हैं और अपना काम शुरू करते हैं गाइस क्योंकि हमें फटाफट सारी चीज़ें करनी है हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं क्योंकि हमारे पास फ़ूड है ही नहीं बिल्कुल भी तीन ब्रेड और एक एप्पल ही है हमारे पास गाइस बिल्कुल भी हमारे पास फूड नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा भाग भी नहीं रहा हूँ इतना बोटिंग वगैरह कर रहा हूँ इसलिए मैं फटाफट में इधर कर देता हूँ मेरे पास हो गए इतने इनफ फ़टाफट पड़ चलो गाइस फार्म बनाना मैं शुरू कर देता हूँ ये ऊपर के जो आपको लीव्स वगैरह देख रहे हैं ट्री वगैरह जो मैंने अभी साफ़ नहीं किया उनको मैं बाद में कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद तो फटाफट पड़ मैं पहले इसको काम शुरू कर देता हूँ इधर एक ऐसा पूरा लगा देता हूँ मैं ऐसे पूरा मेरे को बहुत ही बड़ा एरिया बनाना है मैं पूरे तीन का ऐसा लगाना है गाइस क्योंकि हमें उसमें पिग और काउज़ और शीप रखने वाले है गा तो फटाफट मैं ये पूरा कर देता हूँ फिल तो देखिए गाय मेरा फाइनली इधर कंप्लीट होने को आ गया है ये देखिए बस थोड़े से और फैंसेस लगाना बच्चे इधर ये और ये पूरा इतना रेडी हो गया गाइस से फटाफट जो बाकी सामान है मैं उनको साइड में तोड़ देता हूँ जो मैंने गलती से लगा दिए थे इधर मैंने एक गलती से लगा दिया था और इधर ही कहीं हाँ वो रहा इधर मैंने एक गलती से लगा दिया था फटाफट मैं इनको तोड़ देता हूँ गाइस तो इधर फटाफट मैं इधर फैंस गेट लगा देता हूँ मैं इधर मैं फटाफट फैंस गेट एक लगा देता हूँ मैं तीन ऐसा ये बनाना है अरे यार उधर क्यों लग रहा है कितनी गलती होती रहती है मुझसे से तो पॉकेट एडिशन गाइस थोड़ा खेलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आप समझ सकते हो हमारी फीलिंग को आप भी पॉकेट एडिशन प्लेयर हो तो पी में क्या थोड़ा इजी है जाबा एडिशन में तो इधर फटाफट में इधर से और मुझे लगाना इधर ये एक ऐसा इधर हाँ ये एक एरिया रहेगा हमारा ये साइड वाला और ये अभी हमको उसमें साइड वाले में दो और आधा करना है तो फटाफट ये कर देता हूं मैं तो देखिए क्या मेरा इधर ये पूरा पूरी तरीके से रेडी हो गया ये देखिए तीनों हो गए इसमें मेरे काउस में और पिग रहेंगे और चिकन्स सब रहेंगे हमारे तो फटाफट मैं इधर एक बीट विलेजर ढूंढ लेता हूँ मैं जो फार्मर है फार्मर फार्मर दो ही ब्रिड है हमारे पास यार फार्मर गाइस ये क्या है गाइस अभी मुझे एक बात पता चली है हमारे इस विलेज में फार्मर है ही नहीं ऐसा कैसे हो सकता है यार अब क्या करूं मेरे को अभी पूरा फार्म बनाना पड़ेगा बीट का मुझे फार्मिंग करनी पड़ेगी यार ये सही नहीं है मेरे पास सीड तो है थोड़े से और मुझे इकट्ठा करने पड़ेंगे को पता नहीं था यार मेरे विलेज में ऐसा है मेरे को ती, मेरा तीसरा एपिसोड है बट मेरे को अभी तक ये नहीं पता चला कि हमारे विलेज में फार्मर नहीं है ये कैसे हो सकता है गाइस कितना बड़ा बॉटू मैं नूब अभी मुझे पूरा फार्मिंग करना पड़ेगा तो कोई बात नहीं गाइस चलो फार्मिंग कर देते हमारा क्या जाता है फार्मिंग कर देते अपना अपना कुछ नहीं जाता तो फटाफट चलो मैं आपको फार्मिंग कर का इसके पीछे ही कर देते फार्मिंग यार उधर पिगी भी आ गया है तो फटाफट चलते हैं उसके पीछे ही फार्मिंग करते गाइस मेरा तो बिल्कुल भी इसको पहले बंद कर देता है न पीघी निकल ना जाए तो फटाफट में इधर से बंद कर देता तो हूँ शायद स्पॉन हो गया है उधर गया नहीं होगा तो वैसे मैं चलता हूँ भी फटाफट कर देता हूँ मैंने सारी ट्री वगैरह भी हटा दिए तो फटाफट चलते हैं आपको दिखाता हूँ कि इधर बनाएंगे हम तो ये देखिए गाइस इधर ही बनाते हैं हम पीछे साइड ये एरिया पूरा क्लियर करके इधर जो है इधर फटाफट मैं सारा सीड हटा देता हूँ तो ये मैं वाटर बकेट पूरा डालता हूँ पूरा कर देता हूँ मैं एक एक हटाने में बहुत टाइम लगेगा तो गाइस देखिए मैंने आधा ज़्यादा एरिया पूरा क्लियर कर ही दिया है इधर रात हो गई इसलिए चलो फटाफट हम सो जाते हैं हमें बिल्कुल नहीं चाहिए कि हमारे फार्म के आसपास पास कहीं ग्रीपर वगैरह ब्लास्ट हो हमें नहीं पंगा लेना है वो सबसे अभी फ़िलहाल के लिए तो तो फटाफट चलते हैं सो जाते हैं बेड देखिए कितना मस्त दिखता है गाइस इसमें अगर जो आपको भी ये पैक चाहिए तो मुझे बताना मैं कमेंट करके बताना मैं आपको दे दूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसी में बनाऊँगा अगर जो आप कमेंट करते हो तो वरना नहीं गाइस तो फटाफट मैं इधर सो जाता हूँ हमारी पहल पहली क्या बहुत तीन चार रातें बीत चुकी है हमारी गाइस तो ये गुड मॉर्निंग गाइस सुबह हो गई है हमारी माइनक्राफ्ट की इस न्यू जर्नी में हमारी सर्वाइवल सीरीज की तो फटाफट चलते हैं इधर फटाफट इसको भी लेकर चल देते हैं हम अपना कुछ नहीं थोड़ा गाइस इधर लैग हो गया था हल्का सा उसको आप इग्नोर करना बेड वगैरह सब ले लेते चलते उधर ही कोई अपने कोई टेंशन वेंशन नहीं है चलते उधर सारी चीज़ें लेकर चलते हैं आप उधरी फार्म बनाएंगे उधरी फ़िलहाल के लिए रहेंगे चलो फटाफट चलते हैं उधर ही तो ये गाइस इधर का भी मैं फटाफट क्लियर कर देते हैं काम करते अच्छा नहीं लग रहा है इसको भी हटा देता हूँ मैं आने जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है आगे हम थोड़ा इसको भी हटा देंगे जिस साइड वाला में छोटा सा माउंटेन जो है इसको भी हटा देंगे जैसे थोड़ी अभी बीच में दिक्कत दे रही है लेकिन हम हटा देंगे गाइस जल्दी इसको टेंशन मत लो तो इधर फटाफट में कर देता हूँ वापस से वाटर बकेट तो इधर फटाफट में डालना शुरू कर देता हूँ फटाफट इसको कर देता हूँ मैं

फटाफट में इधर एक रखता हूँ क्राफ्टिंग टेबल और हो बनाना शुरू कर देता हूँ तो इधर एक तो देखिए फटाफट में इधर से हो बना लेता हूँ ये कई रेसिपी ये बन गया हो फटाफट चलते अपना काम शुरू करते, शु... हाँ, करते हैं गाइस इधर से हम हाँ आई थिंक इधर से सही रहेगा इधर से करना शुरू करते हैं इधर चार लेयर की ऐसा ये दो ही हुआ तीन और ये चार ये इसके आगे आगे करते हुए चले जाना है हमें फिर इदर... इधर आई थिंक पहले मुझे खोद लेना चाहिए वरना ये पूरी वापस सूख जाएंगे मुझे वापस करना पड़ेगा तो इधर भी फटाफट इसको कर देता हूँ फिर उसके आगे पहले पूरे खड्डे में पानी डाल देते ताकि ये सूखे ना बार बार वरना सूख जाएगा तो मुझे मेरे करने का कोई फायदा ही नहीं होगा गाइस फटाफट ये मैं ये कर देता हूँ फटाफट तो गाइस देखिए मेरा इधर हो गया है ये पूरा आदमी फटाफट इसमें वाटर डाल देते हैं वाटर बकेट तो हमारे पास ऑलरेडी फिल हुई है पहले इधर साइड से वाटर डालते हैं और फिर उधर से वाटर लेकर वो साइड से डालते हैं तो फटाफट ये काम भी कर देते हैं इधर से ये ऑब्वियसली आपको ये सब फार्म बनाने आते होंगे छोटे छोटे फार्म जो स्टार्टिंग में काम आते हैं तो इधर मैं फटाफट ये डाल देता हूँ इधर अरे कलेक्ट क्यों कर रहा हूँ ये फट इधर बीच में भी डाल देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे पूरी तरीके से मैं इसको फिल कर देता हूँ अनलिमिटेड वोटर सोच देता अरे कलेक्ट हो जाए हाँ हो गया गाइस तो चलो गाइस इधर फूट मैं डाल देता हूँ इस साइड से इधर ये हाँ चलो अभी चलते फटाफट एक और बाल्टी उठा लेते हैं उधर ड्राउंस वगैरह है बट मुझे अभी कोई पंगे भिंगे नहीं लेने में नहीं चाहता अभी शांति से मैं हम इधर काम कर रहे हैं मैं आपको पूरा फिल करने के बाद मिलता हूँ गाइस पूरा फार्म बनाने के बाद तो गाइस फाइनली बहुत देर की मेहनत के बाद ये हमारा पूरा फार्म बन के रेडी हो गया ये देखो मेरे पास जो थोड़ी सी सीड है उनको मैं प्लेस कर देता हूँ फटाफट हमारे पास अभी इतने ही है मैं अभी और अभी तोड़ने वाला हमसे नहीं हूँ मेरा दिमाग ख़राब हो गया बहुत देर से मैं खेल रहा हूँ गाइस मुझे चिल्लाएंगे सब फटाफट मेरे पास बोन बोन मिल भी था मेरे पास तो फटाफट मैं चल के थोड़ा सा घर से बोन बोन मिल ले आता हूँ फटाफट मैं चलता हूँ इधर से अपने घर की तरफ घर ने विलेजर का आई है तो फटाफट चलते हैं गाइस तो गाइस ये देखिए मैं उधर से बोन बोन ब्लॉक ले आया तो फटाफट इधर मेरे पास हड्डी है तो इनको फटाफट मैं कर लेता हूँ कन्वर्ट बोन मिल में ये तीन ये छः हो गए गाइस तो फटाफट अपने इस पर मार देते हैं गाइस एक ओ भाई कितना रियलिस्टिक दिख रहा है ये गाइस ये देखो कितना रियल दिख रहा है ये वीट ओ भाई अरे भाई हमारे पास सिर्फ एक ही फूड बचा है वो फटाफट में इधर से फटाफट करना है गाइस सब में मैं काउ और शिप को भी मार देता हूँ लेकिन पहले इसको फटाफट में प्लेस कर देता हूँ इधर एक इधर बस खत्म हो गया हमारे पास अभी इतना जो वीट मिला है उनको फटाफट में काउ वगैरह ले आता हूँ इधर ये जो मिले चलो फटाफट काउज वगैरह को ले आते हैं अपने फार्म में फटाफट चलते काउज काउज शीप जो मिल जाए वो अरे दर शीप है वाह वाह दो एक ही है क्या अरे दो है एक बच्चा है बट बेबी चलो कोई बात नहीं उसको भी लेकर चलते हैं अपने उसमें फार्म में तो किधर गया ये गेट किधर गया ये रहा तो आओ फटाफट तुम लोग तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे नए घर में तो जल्दी आओ ये शीप्स के लिए मैंने बनाया था क्योंकि ये बड़ा है थोड़ा सा शीप्स बहुत काम की होती है इसलिए मैंने शीप्स के लिए बनाया ये दोनों आ गए ये फटाफट चलते इसको बंद कर देता हूँ तुम लोग अभी अंदर मजे करो जब तक तो छोटू बड़ा नहीं होता तब तो तक तो तो नहीं नो एंट्री छोटू पहले बड़ा होगा फिर तो फटाफट चलते गए इस इधर अपने काउस को ढूंढने काउस हमारा पूरा ब्रेड खाता हूँ लिटली मुझे भूख लगी थी बहुत तेज से मैं पूरा खा गया तो फटाफट चलता हूँ इधर काउस काउस अरे यार मिल जाओ काउस काउस गौ माता अरे चिकन भी इधर बट मेरे पास अभी नहीं है सीड तो फटाफट चलते हैं काउस को ढूंढते हैं गाउस काउस काउस गाय मता गऊ माता किधर हो आप किधर हो किधर हो किधर हो देखो गाइस मेरे को काऊ मिल चुकी है तो फटाफट चलते इधर अरे ऊपर और भी काऊ है उनको भी फटाफट ले लेते अपने पास दो ही बीटे उनसे भी काम चला लेंगे आओ फटाफट आओ आओ पीछे पीछे उधर और नहीं है बस इतनी है तो फटाफट चलो हमारी विलेज की तरफ जल्दी आओ आओ चार चार एक साथ ला रहा हूँ आओ जल्दी आओ फटाफट फटाफट गाइस चलते हैं लेकर अपने इनको अपने फार्म में तो जल्दी आओ जल्दी आओ चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो गाय माता गाय माता गुस्सा मत हो ना मैं आपको खिला नहीं रहा हूँ तो ठीक है फटाफट चलता है अरे इधर ब्लॉक था पीछे इसलिए मैं नहीं जा पा रहा था पहुँच गए भाई सब अपने फार्म की तरफ तो फटाफट चलते हैं इनको अपने उसमें डाल देते हैं तो जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ आते रहो अरे किधर रुक गए जल्दी आओ चारों आ रहे ना हाँ यार चारों आ रहे आओ फटाफट आओ जल्दी रहो चलते रहो ये हम पहुंच गए अपने शीप की तरफ हेलो शीप्स कैसे हो तुम लोग और ये मैंने बनाया है काउस के लिए बीच वाला और वो वाला चिकन के लिए पिक के लिए अभी मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास कैरेट नहीं है गई कैरेट होता तो मैं पिक के लिए बना देता अरे तू क्यों रुक गई जल्दी आ तू भी कैरेट के लिए भी मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया है तो आ जाओ फटाफट अपने नए घर में तुम्हारा स्वागत है जल्दी आओ आ जाओ अरे यार ये लोग क्या बीच में ये चिकन भी आना चाहती है क्या ये लोग ऐसे आते हैं ना इस वीट दिखने के लिए ऐसे आते हैं ना ये देखो हाँ दो आ गए जल्दी आओ तुम लोग भी तुम लोग भी आओ तुम लोग भी आओ हाँ पहले झगड़ा ही कर लो ना किसको पहले आना है मत आओ हड़ हड़ दिमाग खराब कर रहे चिकन बरोबर आ रही है हाँ अरे आओ जो नहीं आना है मत आओ मैं बंद कर रहे जाओ अभी तुम तुम मेरा आप खाना बनोगे मेरे पास वैसे भी फूड नहीं है पहले तुम ही मरोगे इस फार्म के लिए तो चलो दोनों को फटाफट मार देता हूँ मैं ये खत्म तू भी खत्म जा नहीं आना तो ना पहले झगड़ा ही कर लेते फिर आते तो तो गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आए कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना और मैं पूरा फार्म वगैरह सब सही से कर दूंगा गाइस नेक्स्ट एपिसोड में आपको अच्छे से मिल जाते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग